उत्तराखंड की ही बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बर्फबारी, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां पेश आई हैं। बारिश से राज्य भर में दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे बारिश की वजह से घटनाओं से अब तक 5 की जान जा चुकी है। जिसमें पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में 3 और चंपावत की बात करें तो वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं, हालांकि हर घंटे डीएम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी दे रहे हैं। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से वहां पर लोगों को परेशानियां तो पेश आई ही, लेकिन अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। अभय गेंदुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं, संवाददाता। अभय, बारिश ज्यादा होने से लोगों को परेशानियां तो सामने आई ही, लेकिन लोगों की जान भी चली गई। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में कह सकते हैं कि बेमौसमी बारिश यहाँ पर हुई है, और जो आशंका मौसम विभाग ने जताई थी कि तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है, भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई थी। 3 दिन का यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया था, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है। और समूचे उत्तराखंड में कह सकते हैं कि औसत बारिश से 148 गुना ज्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश चंपावत जिले में यहाँ पर दर्ज की गई है। और पूरे प्रदेश में अगर घटनाओं की बात करते हैं, हताहतों की बात करते हैं, तो पूरे प्रदेश में 5 लोगों की मौत का अभी तक मामला सामने आ चुका है। 3 मौत पौड़ी जनपद में हुई है, जहां पर एक मकान यानी जो निर्माणाधीन मकान था उसमें उसके गिरने से वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। 2 मौतें चंपावत जनपद में यहां पर बताई जा रही है, जिसमें मजदूरों का जो श्रमिक काम में लगे थे उनके ऊपर दीवार गिरने से हुई है। और इसी तरह की कह सकते हैं कि कई और जगहों पर भी हताहत होने की खबरें यहां पर मिल रही है। पूरे प्रदेश भर में इस भारी बारिश के चलते ही कह सकते हैं कि सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी है। ग्रामीण स्तर की ज्यादातर सड़कें हैं वो जो बंद हो चुकी है। इसमें राज्य कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसमें 5 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 6 आपके कह सकते हैं कि स्टेट हाईवेज हैं, और उसके बाद दर्जनों ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं जो अभी तक इस बारिश के चलते बंद हो चुकी है। तो लगातार इस तरह की खबरें यहाँ पर मिल रही है। सरकार की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्परता के साथ काम करें, जो सड़कें बंद हैं उन सड़कों को खोलने का काम करें, ताकि जो लोग हताहत वहां पर हुए हैं, जो परेशानियां जनता की है उनको हल यहां पर किया जा सके। जी अभय, स्थिति से निपटने के लिए कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी बिल्कुल, सरकार लगातार इन सब चीजों पर यहां पर निगरानी बनाए हुए है। SDRF की टीमें सभी संभावित जगहों पर यहाँ पर तैनात की गई है कि जहाँ पर घटना होने की आशंकाएं ज्यादा है, जैसे भूस्खलन वाले जो क्षेत्र है उन जगहों पर भी SDRF की टीमें यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जगह जगह पर जो जिला प्रशासन की टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, वो वहाँ पर तैनात की गई है। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को परेशानियां कम से कम हो, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी चिंता इस समय वर्तमान में ये कि जो प्रदेश की जो 4 धाम यात्रा जो संचालित रूप से अभी चल रही है, उस पर जो यहाँ श्रद्धालु हजारों की संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनको कैसे सुरक्षित निकाला जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने का काम सरकार ने यहाँ पर उठाया और सभी लोगों को सुरक्षित रखा गया है। पहाड़ी मार्गों पर ये कह सकते हैं कि जो यात्री जाना चाहते थे पहाड़ मार्गों उनको यात्रा ना करने की सलाह सरकार की तरफ से दी जा रही है, ताकि वो किसी भी प्रकार से परेशानी में ना फंस सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारी के लिए।